Biko. Biko. Good morning. Hello everyone, शाम आपका स्वागत है. मैं हूँ मोहित और आप देख रहे हो ट्रैवल फ्रेंडली इंडिया का मोस्ट डेडिकेटेड ट्रैवल रिलेटेड चैनल जो ट्रैवल छोड़ के बाकी सारी चीज़ें दिखाता है. तो यह डी जे एक्शन 2 का फर्स्ट टेस्ट जिसमें हम लोग मोटो व्लॉग भी ट्राई करने वाले हैं, व्लॉगिंग भी ट्राई करने वाले. एक्सटर्नल माइक नहीं है, जो इंटरनल माइक है उसी से सब रिकॉर्ड होगा. ये है हेलमेट, इस हेलमेट में ये माउंट लग चुका है और जो हेलमेट मोटो व्लॉगिंग का ऑडियो होगा वो इससे रिकॉर्ड होगा, ये फ़ोन में रिकॉर्ड होगा. ठीक है, तो हम लोग कैमरे का भी ऑडियो यूज़ नहीं करने वाले हैं क्योंकि जब तक इसका माइक नहीं आता तब तक हम लोग वो सब चीज़ें नहीं करेंगे, वो किसी और वीडियो में बताऊँगा. तो अभी फटाफट निकलते हैं. चलो, अब नाश्ता हो रहा है. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, नाश्ता जबरदस्त. तो चलो निकलते फटाफट. तो हेलमेट पे माउंट हुआ है अभी कैमरा और हेलमेट ऐसा हाथ में पकड़ा है मैंने, पता नहीं क्या रिकॉर्ड हुआ क्योंकि ये लो लाइट सिचुएशन है तो इधर भी एक टेस्ट हो जाएगा. यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट है. यस, खरीदा है नहीं खरीदा अभी भी आप सोच सकते हैं. ठीक है, चलो लिफ्ट के अंदर घुसते. ऑडियो रिकॉर्डिंग कर दिए स्टार्ट फोन में मैंने और हम जाते हैं बाइक की तरफ. यहाँ पे पानी भी गिर रहा है भाई. तो ये हमारी बाइक धुल गई है शायद. वैसे ज़्यादा दूर जाना नहीं है, मोटो व्लॉग ऐसा कुछ लंबा होगा नहीं, बट ठीक है चलो टेस्ट हो जाएगा. काम कर दिया कौवे ने, रिकॉर्डिंग चालू है. ये पता नहीं एक्चुअली ये रिकॉर्ड हो कैसे रहा होगा, इसका एंगल क्या होगा, फ़ोन में देखना चाहता हूँ मैं. एक काम करते फ़ोन में देख लेते पहले. I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed. Everything just feels like it's chala raha hai, aisa record ho gaya. Main thoda upar kar sakta hu. Chalo try karte hain. So this is recording number 2, same camera. Chalo. So abhi main shoot kar raha hu 108060 fps pe. Abhi mera windshield jo hai khula hai but audio pe aapko filhal to dhyan nahi dena hai kyunki mera personal audio setup hai jo main baaki cameras mein use karta hu. Aap ye wala use nahi karoge most of the time mujhe lagta hai. Aur video quality pe dhyan dete hain filhal. DJI ka khud ka koi to log hai, D-log aisa kuch to pata nahi hai, DJI log. उस पर शूट कर रहा हूँ क्योंकि कलर कलेक्शन मैं बाद में करना चाहूँगा. और 108060 fps जैसे कि मैंने बताया निकलते हैं यहाँ से. फुटेज कैसी आ रही है मुझे अभी कुछ पता नहीं है. टाइम हो रहा है 10:38. मुझे वैसे तो 11 बजे तक स्टूडियो पहुँचता है तो हम लोग एक छोटा सा राउंड मार के आ सकते हैं. चलो, और अभी मैं रॉक स्टेडी मोड पे हूँ. अभी एक बार ये बंद कर देते हैं. यस, रॉक स्टेडी मोड पे हूँ मैं. ऑडियो मैंने नोटिस किया है जब मैं विंड शील्ड जो अपनी वाइजर है पूरा बंद करता हूँ तो थोड़ी इको जैसी साउंड आती है. तो मुझे उस पर ध्यान देना है कि इको जैसा साउंड ना करूँ मैं. वैसे एडिटिंग में उसको भी संभाला जा सकता है. तो एक राउंड मार के आते हैं. अभी तक स्क्रैच गार्ड नहीं लगाया है मैंने. स्क्रैच गार्ड पता नहीं क्वालिटी में थोड़ा तो गड़बड़ करेगा स्क्रैच गार्ड 100% लिख के रह लो. एक राउंड मार के आते ओपन का. ओहो, ये क्या चालू है इधर. अच्छा, कल होली है तो एडवांस पे हैप्पी होली गाइस. पता नहीं आप लोग वीडियो कब देख रहे हो तो अगर आसपास होली है तो एवरीवन हैप्पी होली. कैमरा का ऑडियो अगर अभी आपको मैं बताऊँ तो ये है कैमरा का ऑडियो जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ रहा होगा. और ये है माइक का ऑडियो, एक्सटर्नल ब्लूटूथ माइक मेरा. इसलिए हम लोग माइक का भी जुगाड़ करेंगे अभी जल्दी. अभी मैंने सिर्फ कैमरा सेटअप लगाया है, इसमें हमने वो दूसरा वाला सेटअप नहीं लगाया है. आई डोंट नो रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं है. और ये एंगल सही है या नहीं है वो भी हम देखेंगे. अभी मैं अल्ट्रा वाइड पे शूट कर रहा हूँ. अगर अल्ट्रा वाइड पे सारी चीज़ें विद द व्यू आ रहा है विद बाइक एंड व्यू तो अल्ट्रा वाइड ही मेरा फेवरेट रहेगा. 1080 मुझे लगता है वीडियो पे बहुत होता है. और अभी जो मैं कार्ड यूज़ कर रहा हूँ वो इतना पावरफुल कार्ड नहीं है फिलहाल, इसलिए हम लोग ज़्यादा हायर रेजोल्यूशन पे शिफ्ट नहीं करेंगे. बट दिस इज़ ओके आई थिंक. ये है ओपन. अगर थाने से या थाने के आसपास से हो तो आपको पता चल जाएगा. ये ओपन
बहुत ही प्यारी जगह है यहाँ पे। ज्यादा से मतलब मेरे आधे से ज्यादा, अगर आपको पता नहीं है तो मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मेरे आधे से ज्यादा फोटो शूट सब यहीं पे होते हैं। तो होली होली खेल के आ रहे भाई साहब। बात करते हैं कैमरा के बारे में। फिलहाल ये जो कैमरा मैं यूज कर रहा हूँ DJI एक्शन 2 है और 1080 60 FPS पे मैं शूट कर रहा हूँ अल्ट्रा वाइड पे रॉक स्टडी मोड पे। ठीक है, ये इसका DJI लॉक करके कुछ तो है शायद, अभी मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, बट ऐसे कुछ तो इनका ही खुद का प्रोफाइल है, कलर प्रोफाइल है, जिसको हम कलर करेक्शन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा डेप्थ रिकॉर्ड करता है इसमें, ये जैसे रॉ शूट होता है वैसा कुछ है ये थोड़ा बहुत। अब बात ये है कि जब मैंने कैमरा लिया तो कैमरा लेते ही इसमें अपडेट वगैरह का ऑप्शन आया नहीं, मतलब ये शायद पहले से अपडेटेड है। जब सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करते हो फोन में तो इसका अपडेट का ऑप्शन आता है, जो कि इसमें नहीं आया, तो इसका मतलब अपडेटेड ही होगा। ऑफकोर्स लेते लेते ये विदाउट रिकॉर्डिंग ऑन किए, मतलब रिकॉर्डिंग मैंने ऑन नहीं किया उससे पहले ये हीट हो रहा था, अच्छा खासा हीट होता है। ठीक है, ये टर्न ही थोड़ा घपला बनाया है इन्होंने, पता नहीं काहे के। तो बात ये है, मैंने ये कैमरा क्यों खरीदा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो कोई भी आप GoPro खरीदो उसको आप साइड में माउंट करते हो, मतलब जब सेंटर में भी माउंट करते हो उसका कैमरा ही साइड में, तो वो हल्का सा थोड़ा साइड तो आता ही है भाई, आपके दोनों मिरर ऐसे प्रॉपर सेंटर में नहीं आते, इसका भी मुझे भी आइडिया नहीं, बट टेक्निकली देखा जाए तो कैमरा इसका सेंटर में है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड जो होना चाहिए प्रॉपर FPV फर्स्ट पर्सन व्यू के हिसाब से ये रिकॉर्ड होना चाहिए। अंकल क्या छूका है गाड़ी के आगे, बाप रे, FPV के हिसाब से रिकॉर्ड होना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा वाइड है, अच्छा खासा वाइड है। ठीक है, तो वो भी एक खरीदने का पॉइंट है, और ऊपर से सस्ता है। अगर आप अभी कोई कैमरा देखो, खास करके कोई शुरू करना चाहता है या सेकेंडरी कैमरा खरीदना चाहता है या शुरू करना चाहता है, उसके लिए कैमरा बहुत बेस्ट है। कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ सकती है एज अ प्राइस। ठीक है, अगर आपके पास बजट है तो ऑफकोर्स यू कैन गो फॉर GoPro Hero 12। ठीक है, वो अभी 39 का या 38 का मिल रहा है आपको, वो भी आप खरीद सकते हो। मेरे को नहीं लगा कि मुझे उतना ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे मोटो ब्लॉग से इतने ज्यादा व्यू वैसे भी आते नहीं है, तो तुम लोग व्यू दोगे नहीं तो मैं क्वालिटी क्यों दूं। यहाँ पे लेन देन वाला सिस्टम है, सीधी सी बात है, आप अगर व्यूज दे रहे हो तो अपन क्वालिटी के अपन सब कुछ दे देंगे, तो थोड़ा मेहनत आप करें थोड़ा मेहनत हम करेंगे, हम खर्चा कर रहे हैं आप बस व्यूज दीजिए। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। तो ये आ जाओ मैं वापस, वो है मेरी सोसाइटी अगर आप देख सकते हो तो, वहां से हम अभी बाहर निकले थे घूम के वापस आ गए, अब जाएंगे हम स्टूडियो। मुझे ना हमेशा एक टेंशन रहता है, इसलिए मिरर को अपनी तरफ करके रखा हूँ, जब तक ये नया मैग्नेटिक माउंट है मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैग्नेटिक माउंट वैसे बहुत कंफर्टेबल है देखा जाए तो, इतना जल्दी कनेक्ट हो जाता है, घुमा गए टाइपराइट करने का कुछ नाटक नहीं है, दो तीन वो खरीद के ले लो आप, देखते धीरे धीरे, अभी तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं, पर हो जाएगा सब कुछ। फिर यहाँ पे भी आप माउंट करेंगे, खुद का फुटेज भी तो लेंगे ना भाई, एक्चुअली अभी थोड़ा टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो वो भी कर लेता था मैं। ये एक प्रॉब्लम है, अगर मुझे कॉल आएगा तो मेरा रिकॉर्डिंग, जो वीडियो नहीं ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो बंद हो जाएगा, तो इसलिए मुझे अभी पहले इसकी फुटेज अपन देखेंगे, फुटेज जबरदस्ती फिर ऑडियो पे भी इम्प्रोवाइज करेंगे, ऑडियो इसी से कनेक्ट कर देंगे, तो फिर एडिटिंग का जो थोड़ा मसला है वो सब खत्म हो जाएगा। होली की तैयारी धूमधाम से चल रही है सब जगह पर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है कि क्या करना है, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में पूछ सकते हो और उसका जवाब हम दे देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।